हो गया सर। ओके सर, अच्छा, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, बेसिकली जीएसटी क्लास है और हम लोग जीएसटी में सप्लाई सप्लाई समझ रहे सर, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी में सप्लाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है सर। जीएसटी में सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्यों, मतलब हर चीज़ में सवाल होना चाहिए ना, क्यों सर, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है जीएसटी, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी, बिकॉज जब तक हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि सप्लाई हुआ है, तब तक वो जीएसटी चार्ज के लिए ना, हाँ या ना, मतलब जीएसटी लगाए या नहीं लगाए, चार्ज करे या ना करे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जवाब एक्चुअली सप्लाई पे लगा हुआ था, मतलब अगर आपको सप्लाई नजर आता है एज पर दी जीएसटी कॉन्सेप्ट, जो लॉ में बोला हुआ है, जो शेड्यूल में बोला हुआ है, जो प्रोविजंस में बोला हुआ है, अगर वो प्रोविजन मैच करता है तभी जाके आप उसको सप्लाई मानोगे, अगर प्रोविजन मैच नहीं करता है तो आप उसको सप्लाई नहीं मानो। इसमें कुछ लॉजिकल जस्टिफिकेशन है और कुछ गवर्नमेंट का बना हुआ रूल्स है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आपको ये रूल्स विद केस स्टडीज एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप एक जीएसटी एक्सपर्ट बन पाओ। ठीक है, जब आप किसी भी कंपनी में एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर काम करोगे या फिर अपने फार्म में काम करोगे, जीएसटी का बहुत काम है सर आज के डेट में, तो तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोविजंस का वो नॉलेज जरूरी है सर। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से अपने आप को बिल्डअप करना चाहिए। अगर आप चार्टर्ड का एग्जाम भी देते हो, सीएस का एग्जाम देते हो, सीएमए का एग्जाम देते हो, इवन एक लॉयर भी बनते हो, तो जीएसटी का काम आजकल बहुत लोग करते हैं। बेसिकली सीएस या सीएमए तो इसमें एक्सपर्ट बनता ही है, बट बहुत सारे लोग इवन आज के डेट में बीकॉम करने के बाद, एमकॉम करने के बाद भी लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन रहे हैं। इवन रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनते हैं। तो फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल, जिधर से देखो, प्रोविजंस का नॉलेज गैदर करना सबके लिए वाइटल हो गया, बहुत वाइटल हो गया। स्क्रीन शेयर करता हूँ और कॉन्सेप्ट में डिस्कशंस बढ़ाता हूँ सर। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सर, कि सप्लाई अंडर जीएसटी में हम लोग बेसिकली रिसेंट कुछ क्लासेस में, पास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सर सप्लाई का मतलब देखा, सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। ठीक है, मतलब सप्लाई विथ कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए, और बिजनेस में एक फर्दरेंस मैटर होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कोई किसी को कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है, कोई किसी को प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहा है या सर्विस ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, सर्विस ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, रिलिंक्विशमेंट कर रहे हो, एक्सटिंग्विशमेंट कर रहे हो, इन सिंपल आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो जब भी आप ट्रांसफर करते हो, क्या उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो, कंसिडरेशन हो रहा है क्या, क्या उसमें बिजनेस है, क्या उसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, क्या आप जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हो वो फर्दर उस प्रोडक्ट को बिजनेस करने के लिए लेके जा रहा है। अगर वो बिजनेस करने के लिए नहीं लेके जा रहा है तो फिर उसमें वो जीएसटी और नहीं लगा पाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल है, सप्लाई में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है एंड सप्लाई में कंसिडरेशन होना जरूरी है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, लेकिन सर कुछ एक्सेप्शनल भी तो है ना। यस, एक्सेप्शनल इज ऑल्सो देयर। कुछ ऐसा भी पॉइंट्स है जहाँ पर हम लोग ये भी आज देखेंगे कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई माना जा रहा है, बट वी ट्रीट दोज ट्रांजेक्शन एज सप्लाई, बट देर इज बेसिकली नो कंसिडरेशन। सो विदाउट कंसिडरेशन का जो सप्लाई हो सकता है वो एक्सेप्शनल्स है, बट उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोग रिसेंटली ये वाला पॉइंट में भी बातचीत किए सर क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रेडेड एज सप्लाई। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, फॉरेन मार्केट से सर्विस लेते आ रहे हो, फॉरेन मार्केट से सर्विस इंडिया में ले रहे हो, अमेरिका में कोई है आपका, इंग्लैंड में कोई है आपका, दुबई में कोई बैठा है आपका, उनसे कुछ सर्विस आप अगर इंडिया में बैठ के लेते हो, किसी भी तरह का कंसल्टिंग सर्विस, आर्किटेक्चरल सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस, वट एवर सर्विस, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो सर, पॉइंट टू बी नोटेड, सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हो, भले ही आप उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो सर्विस लेके आप किसी और को दे रहे हो, आप उस वो सर्विस आपके लिए आप ले रहे हो, लेकिन अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी है,
बट बिकॉज आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें जीएसटी चार्ज होगा, और इस केस में जीएसटी रिसिपेंट पे चार्ज होगा। रिसिपेंट पे ही चार्ज होता है, रिसिपेंट एक्चुअली उसको सप्लायर को देता है और फिर सप्लायर गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। बट जब बात इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो तो उस केस में भी रिसिपेंट क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, सॉरी जीएसटी खुद के पॉकेट से लेके डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। कलेक्शन का और कोई मैटर नहीं है, बिकॉज कलेक्ट तो सप्लायर करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप रिसिपेंट ऑफ सर्विस इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कर रहे हो और आप ही रिसीव कर रहे हो, तो आपको ही वो सर्विस डायरेक्टली उसका टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करना है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखा, केस स्टडीज एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया सर। इसी तरह से एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे। एक्टिविटीज क्लासिफाइड आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कौन से एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस पक्का माना जाता है। एक्टिविटीज नाइदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन से एक्टिविटीज को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट नहीं किया जाता। एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। अगर आप ये जान जाते हो तो आप इतना समझो कि जीएसटी का आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाता है, जीएसटी का जो बेस है वो मजबूत हो जाता है अगर आपके अंदर ये सब पर्पस या इसका फंडा जो है क्लियर हो जाता है। तो चले सर, डेफिनेशंस वगैरह मैंने बताया आपको प्रीवियस, उससे पहले वाला क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास, उससे पहले लास्ट क्लास हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन भी जाना, फिर सेक्शन 7 के बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है ना सर, सेक्शन 7 में काफ़ी डिस्कशंस हुआ, सेक्शन 8 में भी बात करूंगा, और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1 याद रखिएगा, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन पे बात करता है। शेड्यूल 1 जो है वो किस पे बात करता है सर, शेड्यूल 1 बात करता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संपत, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, ज्योति को मैंने शेड्यूल भेजना भूल गया, ठीक है सर भेज दूंगा। अच्छा चलो देखो, तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर अभी तक मैंने न्यू कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बताया, पुराना कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास का डिस्कशन हुआ था मैं उसको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिए कि सर मीनिंग ऑफ सप्लाई के बारे में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 में मैंने डिस्कस किया जो लास्ट वीक का डिस्कशन था। सेक्शन 8 कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई में बात होगा, एंड शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 जो है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इस पर मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। और शेड्यूल 2 जो है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड शेड्यूल 3 एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। वाह, ये तीन पॉइंट जान जाएंगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर, थोड़ा वेट कर जाओ, सेक्शन 7 में बात हुआ है, अब थोड़ा बात करना है सेक्शन 8 पे, शेड्यूल 1 पे, शेड्यूल 2 पे, शेड्यूल 3 पे। तो मैं लास्ट वीक जहां छोड़ा था मैं वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा सर, जहां मैंने लास्ट वीक आप लोगों को छोड़ दिया था, मतलब जहां से हम लोग डिसकंटिन्यू, मतलब बेसिकली क्लास ऑफ किए थे, उसके बाद से रिस्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा मैंने सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाया था सर, कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, क्या सर याद है कि नहीं है? शिवम, ज्योति, रोशनी, बोलो सर, नील, याद है कंसिडरेशन क्या है एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, याद होगा सर? इवन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया था, एक शॉपकीपर्स का एग्जाम्पल था पेन बेचने का, एक गुड्स फैक्ट्री से ट्रांसफर होने का एग्जाम्पल दिया था, बार्टर एक्सचेंज में भी मैंने बात किया था, बार्टर लेन देन जो पुराने जमाने में होता था ना, बार्टर, ठीक है, बार्टर या एक्सचेंज, उस पर भी मैंने बात किया था। कंसिडरेशन पे स्पेशली डिस्कशन किया था कि कंसिडरेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कंसिडरेशन कब होता है और कब नहीं माना जाएगा, ठीक है, इसमें मैंने, इस पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक आपको भूषण, भूषण बोल के एक जन है जो योगा संस्थान को डोनेट किया था, उसका ब्लैकबोर्ड डोनेशन का क्या ट्रांजेक्शन माने या ना माने। दुर्गा देवी ने एक मंदिर पे अपने पापा के नाम पे एक रूम बनाया, एक घर बनाया, तो उस पर अपने पापा का नाम दर्ज किया, क्या उसको ट्रांजेक्शन या सप्लाई माने, ठीक है, तो नहीं है सर एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब मैंने लास्ट वीक बताया था सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। फिर यहाँ पर एक था सर, अगर कोई आर्टिस्ट
अगर कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट एग्जीबिशंस के लिए बेचता है, क्या इसको ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं सर, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट अगर अगर आर्टिस्ट का आर्ट अगर आर्टिस्ट का आर्ट सेल होता है तो उसे से सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिस्ट अगर अपना आर्ट को एग्जीबिशंस के लिए सेंड करता है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, बट अगर उसका एग्जीबिशंस में उसका आर्ट सेल होता है तो उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था लास्ट क्लास का। इसके बाद मैंने आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस समझाया था। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है? कि संपद मोने आसे कि मोने नहीं, बोल एक लोग मोने आसे तो। अरे संपद शिवम, अरे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो थोड़ा सा दे दो सर, आवाज दो है हमको, ना? हम यहाँ हैं। ओके सर, ठीक है, एक गाना है ना सर, आवाज दो हमको, हम सो गए। तो मुझे सोना नहीं है, आप लोग बीच बीच में थोड़ा आवाज दे देना। ठीक है, अच्छा, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में मैंने लास्ट पे एक बात किया था। इसमें बिजनेस के बारे में स्पेशल डिस्कशन भी हुआ था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे रिसर्व बाइस कार फॉर इज पर्सनल यूज, एंड कुछ दिन यूज करने के बाद वो कार डीलर को सेल कर दिया। तो ऋषभ जब कार डीलर को सेल करता है, क्या वो बिजनेस है? नहीं है, बिकॉज ऋषभ कोई कार का बिजनेस नहीं करता, सो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। मणिकर्णिका का अपने गोल्ड बैंगल्स को आभूषण ज्वेलर्स बोल के एक दुकान में जाके सेल करता है, तो क्या मणिकर्णिका का जो गोल्ड का ट्रेडर नहीं है लेकिन वो जाके ज्वेलरी को सेल करता है, तो क्या वो बिजनेस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात किया। चंदन आचार्य बोल के एक फेमस एक्टर था जो अपना पेंटिंग्स वगैरह सेल करता है, ठीक है, चैरिटेबल के लिए, लेकिन क्या इसको सप्लाई मानेंगे? यस, इसको सप्लाई माना गया था एज पर सीबीआईसी रिपोर्ट। ठीक है, सो बिकॉज वो बेसिकली फेमस एक्टर है ना, वो फेमस एक्टर जो भी कर रहा है वो बेसिकली जो भी है उसमें सप्लाई माना जाएगा। सलमान खान का एग्जाम्पल में दिया था मैंने, काइंड ह्यूमन की जगह बिंग ह्यूमन। ठीक है सर, इस तरह का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके साथ बात किया तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तब हो गया था तो बहुत अच्छा, अगर ना हुआ है एक बार फिर से मतलब रिकनेक्ट करो सर। रिकनेक्ट कैसे होगा? एक बार जाओ, पुराना लेक्चर्स लो, एक बार रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। ठीक है सर, अभी जो फ्रेश टॉपिक मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा आपके साथ, कि सर एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन के बारे में बात करूंगा। आपको बोला था कि कुछ ऐसा भी एक्टिविटीज है, कुछ ऐसा भी एक्टिविटी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। सर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे? यस सर, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन सर सप्लाई होने के लिए तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। यस, कंसिडरेशन होना जरूरी है सप्लाई होने के लिए, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट तो आता ही है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शनल है कि कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है फिर भी सप्लाई है। डिम सप्लाई बोलते हैं सर इसको, ध्यान से समझिए सर, भूलना नहीं है, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस रखिए, इसको समझिए कि डिम सप्लाई किसको बोलते हैं, डिम सप्लाई का क्या रूल्स है, सैटरडे प्रोविजंस क्या है। सर डिम सप्लाई के लिए शेड्यूल वन बात करता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ नेट विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल वन में पैरा वन, पैरा टू, पैरा थ्री, पैरा फोर इसमें बात करता है। सर क्या बात करता है? चलो सर जो भी बात करता है मैं आपको एनालिसिस देता हूँ कि ऐसा ऐसा कंसिडर ऐसा ऐसा सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में होगा बट फिर भी सप्लाई माना जाएगा। सर देयर आर इंस्टांसेस, इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे इंस्टांसेस या सिचुएशंस देखता है सर, देखा जाता है सर, जिसमें वेन एन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, शेड्यूल 1 के साथ इसको डिस्कस करना है। सेक्शन 7 याद रखना है। अब देखो याद, देखो सर ये याद दिला रहे, ये इसको क्या बोलते हैं सर, इस तरह का ये जैसे वोडाफोन में होता था ना, क्या बोलेंगे इसको, कार्टून? हाँ ऐसा वोडाफोन में ऐसा था ना, वोडाफोन वाले, हाँ ना ऐसा वोडाफोन का कार्टून बता रहे हैं आपको। याद रखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड विथ शेड्यूल 1, ठीक है, याद दिला रहा है, याद करो सर, याद करो, याद दिला रहा है आपको। अब क्या याद दिला रहा है सर? सर
इवन इफ द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन दीज आर स्पेसिफिकली मेंशन इन शेड्यूल वन अपेंडेड टू द सीजीएसटी एक्ट द सेम हैज बीन डिस्कस्ड इन द सब्सिक्वेंट पैरल्स इन द पास्ट रिजिम इन एवरी टैक्स स्टैट्यूट कंसिडरेशन प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर लिवाइंग टैक्सेस मतलब चाहे करेंट जीएसटी हो या पुराना वैट सिस्टम हो जो भी सिस्टम हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखे हैं कंसिडरेशन ऑलवेज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर लिवाइंग टैक्सेस तो टैक्स लगेगा कितना लगेगा टैक्स एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा इसके बेसिस में कंसिडरेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर इंस्टेंसेस इफ एनी सर्विस वॉज प्रोवाइडेड फॉर फ्री अगर आप किसी को कोई फ्री सर्विस देते हो सच सर्विस वॉज नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स ठीक है ऐसा था पुराने टाइम पे कि अगर आप फ्री सर्विस दे रहे हो तो फिर उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगता इफ एनी सर्विस वॉज प्रोवाइडेड फॉर फ्री टू ए पर्सन सच सर्विसेज वॉज नॉट सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स हाउएवर अंडर जीएसटी द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन डायल्यूटेड इन सर्टेन केसेस पुराना टैक्स सिस्टम जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था वैट में सर्विस टैक्स में जो जीएसटी का बेसिकली ओल्ड रिजिम जो था जीएसटी का ओल्ड रिजिम क्या था मेनली वैट एंड सर्विस टैक्स ऐसे आपको मैं बहुत सारा टैक्स बता के आया बेसिक्स में बेसिक्स ऑफ जीएसटी में वैट एंड सर्विस टैक्स को छोड़ के भी मैंने बहुत सारा टैक्स के बारे में बताया कि जिसको मतलब जो बेसिकली सबसम्ड होके जीएसटी के अंदर आ गया बट मेनली वैट एंड सर्विस टैक्स था वैट सर्विस टैक्स एंड एक्साइज का एरिया यही मेनली टैक्स का बड़ा एरिया था बाकी छोटा छोटा और भी टैक्सेस आपको देखा मतलब आपने देखा तो पॉइंट इज दैट सर जो पुराने टाइम पे होता था कि अगर कोई अपना सर्विस प्रोवाइड फ्री में कर रहा है फ्री टू ए पर्सन उसमें टैक्स नहीं लगता था बट जीएसटी ऐसा बात नहीं करता है जीएसटी देखता है कंसिडरेशन पे चार्ज करे कि ना करे इसको लेके जीएसटी का ना जीएसटी लॉ में कुछ चेंजेस आया है इसलिए बोला कि डाइल्यूटेड इन सर्टेन केसेस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिपर्चर फ्रॉम द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम मतलब अर्लियर सिस्टम और अभी के सिस्टम में फर्क आ गया सर फर्क तो होना भी चाहिए चीज़ें समय के साथ साथ बदलते हैं समय के साथ साथ और लॉजिकल होना चाहिए तो जीएसटी में थोड़ा और लॉजिकल आया तो एज पर शेड्यूल वन इन द फॉलोइंग फोर केसेस चलो सर जिसका इंतजार था वो आ गया किसका इंतजार था केसेस बताओ कि कब कब ऐसा होता है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है एक्टिविटीज मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई मतलब आप बदले में कुछ नहीं ले रहे हो या कुछ नहीं दे रहे हो फिर भी सप्लाई है अंडर सेक्शन 7 इसमें एक है आपका परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ ए बिजनेस एसेट मतलब बिजनेस टोटली बंद हो रहा है परमानेंट ट्रांसफर या फिर बिजनेस डिस्पोज करना बिजनेस डिस्पोज करने के टाइम पे क्या होता है जिसका जो एसेट्स है वो घर लेके चला जाता है सो एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट मेड बाय एन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस इवन दो विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाई एज सप्लाई हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस प्रोविजन शुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स सर बात को समझिए मानो कि आपका बिजनेस है और आप अपना बिजनेस को बंद कर रहे तो अगर आप अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो अपना पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर रहे हो या फिर अगर आप अपना कंपनी को बंद कर रहे हो नाउ क्वेश्चन इज दैट जब अपना बिजनेस को बंद करोगे तो बिजनेस रिलेटेड जो एसेट्स है ठीक है उसको भी तो जो जो जिसका जो एसेट्स है वो घर लेके जाएगा तो बिजनेस जब अपना एसेट्स अपने बिजनेस के पार्टनर्स वगैरह को सप्लाई करता है उसको सप्लाई माना जाएगा उसको सप्लाई माना जाएगा तभी माना जा सकता है अगर उस एसेट्स पे कंपनी का इनपुट क्रेडिट है सर आईटीसी जैसे अगर आप मानो कि कंपनी ने कोई लैपटॉप खरीदा था बिजनेस ने कोई एसी खरीदा था और क्योंकि वो बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा था ठीक है या फिर कोई मशीन यूज कर रहा था लैपटॉप एसी या फिर कोई मशीनरी अगर वो मशीनरी लैपटॉप एसी को आप बिजनेस पर्पस में किए थे और वो बिजनेस पर्पस में अगर आपने उसको खरीदा था तो उसका आईटीसी आप जरूर आइडेंटिफाई करोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है आई होप ये आप लोगों को याद है क्योंकि मैंने आईटीसी तो स्पेशल क्लास में बताता हूँ आईटीसी का जो डिटेल्स डिस्कशन होता है आईटीसी स्पेशल क्लासेस भी हुआ है या हो मतलब आगे जाके फिर से होगा लेकिन मैंने जो लोग बेसिक से सिर्फ कर रहे जो लोग पहले कभी आईटीसी नहीं किया उनके लिए भी बोलूंगा कि मैंने आईटीसी के बारे में ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बात करके आया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप किसी एसेट्स का
क्लेम करते हो, तो इन दैट केस उसको सप्लाई के अंदर ट्रेड किया जाएगा। अगर कोई एसेट्स आप बिजनेस बंद के टाइम पे परमानेंटली ट्रांसफर करते रहे, परमानेंटली, क्या आगे और बिजनेस ओपन नहीं होगा, होगा भी तो वो वाला बिजनेस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप अपना पुराना बिजनेस, मतलब बिजनेस का एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन एसेट पे अगर ITC क्लेम पहले से है, तो उसको सप्लाई ट्रेड किया जाएगा सर। देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सप्लाई, फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। सर क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर और डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट, ITC मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट्स। तो सर ये एक बात तो क्लियर हुआ कि यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि जिसको भी बिजनेस ने अपना एसेट ट्रांसफर किया, बिजनेस अपने मेंबर को जैसे ही एसेट ट्रांसफर किया, क्या बदले में जिसको ट्रांसफर किया गया उसने बदले में कुछ दिया? हेलो सर, संपद, रोशनी, या जो भी हो, बात समझो सर। मैं संपद, संपद को मेरा आवाज आ रहा है? किसको मेरा आवाज आ रहा है? शिवम को आ रहा है? टेल मी सर, कनेक्ट हो पा रहे हो आप लोग? बताओ एक बार मुझे। निशा, हेलो ओके, रोशनी को आ रहा है मेरा आवाज। मान रोशनी तेरा बिजनेस है, लेकिन तू तो अपना बिजनेस को परमानेंटली बंद कर रहा है। तो जो बिजनेस है तेरा, तेरा बिजनेस, तेरा कंपनी है, ठीक है, OPC है, मान 1% कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, तू तेरा बिजनेस को बंद कर रहा है और अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है खुद को, या फिर बाकी कोई भी अगर ओनर है उसको, तो क्या बदले में तुम कुछ पे कर रहे हो क्या कंपनी को? परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है ना, डिस्पोज कर रहे हो, क्या बदले में कुछ दे रहे हो क्या? मतलब अगर मानो कि तुम अपने बिजनेस से अपना एसेट परमानेंटली बिजनेस तुम्हें ट्रांसफर कर रहा है, तो तुम बदले में कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हो क्या? ना नो। लेकिन सर नॉर्मली GST क्या कहता है कि बिना कंसिडरेशन का सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसे केसेस में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे। क्यों क्यों सप्लाई मानेंगे? क्योंकि एसेट पे ITC है। मतलब जो एसेट आप खुद को सप्लाई किए ना सर, वो एसेट जब आपने बाय किया था बिजनेस के लिए, उस एसेट्स पे आपने ITC जो भी दिया था, वो आप बिजनेस के, बिजनेस पे क्लेम किए GST देने के टाइम पे। बात को समझो सर। मानो कि तुमने फ्लिपकार्ट से तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फ्लिपकार्ट से तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, बिजनेस फर्नीचर कुछ इस तरह का। अब इसका प्राइस है सर 5,999, ठीक है, 5,990 का चेयर है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 5,990 का चेयर है, ठीक है। अब ये चेयर आपने जब खरीदा था तो इस पे GST भी दिया था आपने, ठीक है, इंक्लूडिंग GST। ना क्वेश्चन इज दैट, जब आप इस पे GST देते हो और ये बिजनेस के नाम पे ले रहे हो, मतलब तो आप इसको अपना बिजनेस एसेट बता रहे हो, ना क्वेश्चन इज दैट, अगर ये आपका बिजनेस एसेट है तो इसका ITC भी आप क्लेम करोगे। तो अगर इसका ITC आप क्लेम करते हो तो इन दैट केस इसको सप्लाई माना जाएगा, लेकिन आप तब इसको क्लेम कर रहे हो, मतलब आप इसको बाद में जब अपना बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आप परमानेंटली आप खुद को ये दे रहे हो, बट बदले में आप बिजनेस को कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो सर। बदले में आप बिजनेस को कुछ कंसिडरेशन में दे नहीं रहे हो, बट क्योंकि इसका ITC आपने क्लेम करके रखा है, सिंपल सा बात है, बिजनेस इसको क्या मानेगा? सिंपल सा बात है, बिजनेस इसको क्या मानेगा? सप्लाई मानेगा। तो सर पॉइंट टू बी नोटेड, नो कंसिडरेशन पे भी सप्लाई हो सकता है। गुड यस इवनिंग नो सर, नो कॉन्सेप्ट यस 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 नो नो कंसिडरेशन पे भी, विदाउट कंसिडरेशन पे भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर आप अपने बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हो, मतलब डिस्पोज करना मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ योर बिजनेस एसेट, आपका बिजनेस है, बिजनेस पे जो एसेट्स आपके पास हैं वो एसेट्स पे आपने ऑलरेडी ITC क्लेम करके रखा। आप कभी देखिएगा जब आप लोग बिजनेस करते हो, मे बी जो लोग बिजनेस के साथ या बिजनेस फार्म के साथ जुड़े हुए हो उनको पता है, अगर आप कोई एसेट परचेस करके लाते हो ना और अगर आप उसको बिजनेस पे यूज करते हो, तो क्या करते हो ना, आप नॉर्मली क्या करोगे, आप ना
उस एसेट्स को अपने बिजनेस का पार्ट मान लेते हो, और बिजनेस का पार्ट मानते हो तो फिर उसको उसका जो भी आईटीसी है आप उसको क्लेम करते हो, ठीक है, कि मेरे पास ये एसेट्स मैंने परचेस किया, इतना मैंने जीएसटी दिया, तो फिर जीएसटी दिया तो फिर ये मेरे लिए आईटीसी बन जाएगा, और बाद में जब तुम्हारा पेमेंट आएगा तुम उसके हिसाब से क्लेम करोगे। तो लेकिन बात यही है सर कि आप यहाँ पर अपना ही बिजनेस को बंद करने के टाइम पे अपने ही एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन उसको सप्लाई तभी माना जाएगा जब अगर अगर आप उस पर्टिकुलर एसेट पे आईटीसी अवेल्ड किया तो। इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, ये जो लास्ट कंडीशन है, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कवर्ड विद इन द पैरा, दस विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई। मतलब कहने का मतलब है, इन व्यू ऑफ द लास्ट कंडीशन स्टिपुलेटेड अबव, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस पैरा, विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी इज ब्लॉक्ड। बात को समझे, अगर किसी बिजनेस एसेट्स पे गवर्नमेंट आईटीसी ब्लॉक करके रखा है, सर ब्लॉक आईटीसी का डेटा कहाँ मिलेगा बताएंगे सर? आईटीसी किस पे ब्लॉक रहता है इसका भी डेटा है, ठीक है, कि जिसके कौन से एसेट्स पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, है ना? मतलब ऐसा करने से ना कोई कुछ भी खरीद के लाता है और उसको बिजनेस पे इनपुट क्रेडिट के लिए क्लेम कर लेता है और अपना क्रेडिट बढ़ा देता है और गवर्नमेंट के घर में ठेंगा हो जाता है, इतना क्रेडिट है कि अलग से सरकार के घर में पेमेंट ही नहीं जाता। तो कहने का कॉन्सेप्ट है सर, ब्लॉक क्रेडिट का एक लिस्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, जब टैक्स टैक्स बताएंगे तो उस पे ब्लॉक क्रेडिट का भी एक लिस्ट भी आएगा, मैं आपको वो भी लिस्ट दूंगा कि कौन सी एसेट्स पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। तो अगर किसी एसेट पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो फिर उस पे वो आपका सप्लाई क्रेडिट नहीं होगा, सिंपल है। लेकिन अगर उस एसेट पे क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको सप्लाई मानेंगे। बिजनेस एसेट दो एलिजिबल फॉर आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस एसेट्स है उसमें आईटीसी एलिजिबल है बट बिजनेसमैन ने, रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेसमैन मतलब रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन ने आईटीसी नहीं लिया उससे, तो अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो फिर उसको भी सप्लाई नहीं माने। तो फिर सप्लाई होने के लिए आईटीसी क्लेम करना जरूरी है सर। अगर आईटीसी, यहां पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया, फिर से एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, अगर उस एसेट्स के बारे में गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है एज पर गवर्नमेंट प्रोविजंस और एज पर गवर्नमेंट लिस्ट, सो देन आल्सो दिस विल बी नॉट ट्रेडेड एज सप्लाई। तो अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा और क्या। लेकिन अगर आपके एसेट्स पे आईटीसी क्लेम है तो उसको सप्लाई मानेगा और वो जीएसटी के लिए जाएगा। बोलो सर, बात समझ में आया आप लोगों को? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा लेवल ऑफ डिस्कशन है बट इतना भी कोई हाईफाई बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कोई रॉकेट साइंस है तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको, सिंपल सा लॉजिक है सर कि हम लोग जो पॉइंट में बात कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम यही है कि नॉर्मली सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट हम लोग कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस पे आके पहुंचे जहां पर सप्लाई नहीं हो रहा है, सॉरी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है बट फिर भी सप्लाई मान रहे। तो इसमें एक कंडीशन ऐसा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स बट दोज बिजनेस एसेट जिस पे आईटीसी अवेल्ड है, ठीक है। अगर आईटीसी अवेल्ड नहीं है या फिर एसेट पे आईटीसी ब्लॉक्ड है तो फिर आप उस पे आईटीसी क्लेम, सॉरी आप उसको सप्लाई नहीं मान सर। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, अगर ना है तो बोलो ना, हाँ है तो बोलो हाँ। संपद, स्नेश, ऋषभ, सर शिवम, बोलो सर, समझ में मुझे आया? ओके सर, जैसे मान, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। इसके लिए तो जब कुछ भी ऐसा चीज ऐसे लेने जाने से लोग जीएसटी बिल बना के दो बोलता है ना। हाँ समझ गया, ठीक है। जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस करता है वो जानबूझ के दुकान में जाके, मानो कि
इसीलिए मांगता है जानबूझ के, मतलब अच्छा बात है ना, मानो कि कई बार क्या करता है ना, घर का चीज है फिर भी जीएसटी बिल बना लेता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसका बिजनेस है और वो, जैसे मानो आप घर के लिए प्रिंटर खरीद के ला रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक प्रिंटर खरीद, ये चेयर, जैसे मानो ये चेयर आप घर के लिए लेके लेना चाहते हो, बट इसका जीएसटी बिल ला लेते हो, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बेसिकली इसका जीएसटी बिल को लेके क्या करोगे? से फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर बेसिकली आप अपने लिए लाए, घर के लिए पर्सनल यूज के लिए, बट देखो छोटा छोटा प्रॉब्लम, मतलब छोटा छोटा मैटर में ना हम लोग ऐसे करते हैं नॉर्मली आमतौर पे, ये प्रिंटर लेते हो, इस पे जीएसटी पे करते हो, लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसका जीएसटी को लेके आप बिजनेस में दिखा देते हो और उसका आईटीसी क्लेम कर लेते हो। थोड़ा बहुत करो, दिक्कत नहीं है, जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बड़े लेवल में दिक्कत हो जाता है, ठीक है? जैसे आप समझ रहे हो ना, छोटा मोटा चोरी चोरी नहीं है, चोरी करो तो बड़ा करो, और फंस जाओगे तो फंसोगे बहुत जोर से, ठीक है? तो ठीक है, ये चोरी नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, बट हाँ अगर ये रियली ये बिजनेस के लिए है, अगर ये रियल में ही बिजनेस के लिए है, तो जीएसटी बिल आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस के लिए एसेट लेते हो, अगर आप बिजनेस के लिए एसेट बाई करते हो, उसका जीएसटी लेना, बिल लेना बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इसको आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो अपने बिजनेस, ठीक है? इसके बारे में हम लोग इसमें भी बात करते हैं ना सर, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर करते हैं, वहां पर आप देखिएगा डिप्रिसिएशन के साथ आईटीसी क्लेम के बीच में लड़ाई होता है। वहां पर बताया जाता है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करते हो तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हो तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। फिक्स एसेट्स पे बेसिकली चलता ही है, ठीक है? जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे फिर से, बीपी, इनकम टैक्स वैसे ही पढ़ते, अभी सैलरी चल रहा है, जब हम लोग बीपी पढ़ेंगे मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप देखिएगा वहां पर ये चर्चा मैं फिर से करूंगा, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट, बीपी इज एज पर इनकम टैक्स एंड जीएसटी एज पर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? कुछ एग्जांपल देखते हैं सर। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्रुव बोल के कोई है जिसने अपना पुराना लैपटॉप बिजनेस पे यूज करता था, अपने दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप्स। ये तभी सप्लाई ट्रीट होगा अगर इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे ध्रुव ने जब इसको खरीदा था तब उसका जीएसटी के बेसिस में आईटीसी क्लेम किया था। अगर ये आईटीसी क्लेम वाला प्रोडक्ट है, अगर ये लैपटॉप आईटीसी क्लेम वाला प्रोडक्ट है, तो ये सप्लाई सप्लाई होगा, भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। पुराना वैट सिस्टम ये बताता था कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में है तो सप्लाई नहीं, बट नया रूल कुछ और बोलते हैं, जीएसटी रूल कुछ और बोलता है, भले ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हो, बट क्योंकि ये आपका कनेक्टेड है, बिजनेस के साथ कनेक्टेड है जिसका आप आईटीसी क्लेम किए थे, तो ये सप्लाई ट्रेड हो जाएगा। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक एयर कंडीशनर डीलर हो, वो अपना मोटर व्हीकल को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर करता है। आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, आईटीसी ऑन सेड मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, द ट्रांजेक्शन विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सप्लाई एज द कंडीशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल्ड। पॉइंट टू बी नोटेड। एक्चुअल में क्या है, वो डीलर तो है एयर कंडीशनर का, गाड़ी तो वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए लेके आता था, वो बिजनेस का नहीं था एक्चुअल में, तो इसलिए जानबूझ के गवर्नमेंट भी क्या करता है, ब्लॉक्ड लेवल में ब्लॉक्ड आईटीसी का लिस्ट बना के दे देता है कि भाई आपको अपने बिजनेस एसेट्स पे आईटीसी मिल जाएगा, बट अगर आप कोई दूसरा एसेट जो बिजनेस का नहीं है, अगर गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसके लिए एक ब्लॉक लिस्ट भी बना देता है, उसका आईटीसी आपको अवेल करने नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मोटर व्हीकल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर करते हो, करो नो प्रॉब्लम, बट अगर उस मोटर व्हीकल में आईटीसी ब्लॉक्ड है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये ट्रांजैक्शंस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई एज द कंडीशंस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन द बिजनेस एसेट ट्रांसफर इज नॉट फुलफिल्ड। सो बेसिकली यहाँ पर एयर कंडीशन डीलर, एसी डीलर थोड़ा सा चालाकी करने का कोशिश कर रहा था। क्या चालाकी करने का कोशिश कर रहा था? अपने ही मोटर व्हीकल का जो आईटीसी है, जो जीएसटी पेमेंट है, उस जीएसटी पेमेंट को वो अपने क्रेडिट के लिए यूज करना चाहता था, बट गवर्नमेंट ने इस पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। क्यों पानी फेर दिया? पूरा का पूरा बेकार कर दिया। उसने सोचा था कि मैं गाड़ी का जीएसटी को बिजनेस में क्रेडिट कर दूंगा आईटीसी में,
लेकिन नहीं कर पाएगा, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट तो उसको ब्लॉक करके रखा है। तो अगर जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है वो सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई नहीं है तो फिर आप जीएसटी में कैसे शो करोगे? समझ में आ रहा है लॉजिक? बोलो। बोलो सर, बोलो। ये दोनों एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? यस लेकिन सर, एक है ना, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बेसिकली कर रहा था, नो कंसिडरेशन था, बट फिर भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसमें आईटीसी अवेल होना चाहिए। लेकिन आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा तो फंस जाएगा, और क्या? तो सप्लाई ट्रीट करने के लिए उसमें आईटीसी अवेलमेंट को परमिट देना पड़ेगा। इवन होल्डिंग कंपनी सब्सिडी पे एसेट ट्रांसफर करता है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस अपना होल्डिंग क्या करता है, सब्सिडी। एक गाड़ी का जो भी माने बिजनेस पर्पस से यूज हो তাহলে তো এটা পাওয়া যাবে আইটিসি का। डिपेंड करते हैं। नॉर्मली अगर बिजनेस पर्पस में यूज होता है तो उसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन करके देता है कि वो मोटर व्हीकल में ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड है, लेकिन हाँ अगर बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं उसका एक ब्लॉक लिस्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस किस चीज में आप आईटीसी ब्लॉक करके रखता है और कहाँ कहाँ उसको ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। ब्लॉक आईटीसी का लिस्ट एक आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। आगे का बात देखो सर, नॉर्मली आई विल डिस्कस, जब ब्लॉक लिस्ट बताऊंगा मैं बताऊंगा। हाँ, ओके। ओके, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सर अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन्स पे और डिस्टिंक्ट पर्सन्स पे सप्लाई करते हो, मतलब आप अपना प्रोडक्ट रिलेटेड पार्टी को देते हो या डिस्टिंक्ट पार्टी को देते हो, ये पैरा टू आप शेड्यूल वन में बोला है। अब पैरा टू आप शेड्यूल वन में ये रिलेटेड पार्टी के बारे में और डिस्टिंक्ट पार्टी के बारे में क्या बोला है, ध्यान से देखो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इन मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन इसको समझने के लिए आपको दो चीज पहले समझना होगा सर, रिलेटेड पर्सन कौन है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है ना, ठीक है। रिलेटेड पर्सन कौन है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, अगर इसमें गड़बड़ तो उसमें गड़बड़। तो पहले ये तो जान लो कि रिलेटेड पर्सन कौन है बिजनेस में और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है। थोड़ा सेंस को यूज कीजिएगा, ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन, ए पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन, लाइक मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली में इन्फ्लुएंस है ना, हस्बैंड वाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, बच्चे अपने माता पिता को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब फैमिली का मतलब क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ मैं, या फिर सब्सिडियरीज ऑफ ए ग्रुप कंपनी। अगर एक ग्रुप कंपनी है उसका सब्सिडियरी जो है वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, है ना, मतलब कोई होल्डिंग का सब्सिडियरी उसका रिलेशन में आ जाएगा। अंडर जीएसटी लॉ वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिलेटेड पर्सन हैव बीन स्पेसिफाइड। जीएसटी लॉ में वेरियस रिलेटेड पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया, स्पेसिफाई किया गया, बिकॉज ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत भयंकर हो सकता है जीएसटी में, मतलब अगर कोई इसको मिसयूज करना चालू करे तो गवर्नमेंट का तो हो जाएगा हवा टाइट। द टर्म रिलेटेड पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। द सेम डेफिनेशन हैज बीन डिपिक्टेड बाय वे ऑफ डायग्राम। देखो सर क्या डायग्राम बताता है, याद रखना है कि किसको किसको रिलेटेड पार्टी के अंदर रखा जाता है। पर्सन पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मतलब आप मेरे बिजनेस में ऑफिसर हो, मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मेरे बिजनेस पे मैं डायरेक्टर हूँ और इसी बिजनेस पे आप ऑफिसर्स हो, वन अनदर बिजनेस ऑफिसर्स और डायरेक्टर।
अगर एक दूसरे का बिजनेस को ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स पोस्ट में कोई होल्ड करता है तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स। अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो, लीगली मतलब आपके बीच में पार्टनरशिप साइन हुआ है, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर कोई थर्ड पार्टी है बट उसका बिजनेस में 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक है या शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, या तो वोटिंग स्टॉक है, वोटिंग स्टॉक मतलब जितना शेयर है आपके पास, मतलब कंपनी में जब वोट होता है टोटल वोट का 25% काउंटिंग सिर्फ आपके वोट पे आ जाता है, इसको बोलता है वोटिंग स्टॉक। ये हम लोग पढ़ते हैं ना सर, ये कंपनी लॉ के अंदर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में, कंपनी लॉ में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में जब हम लोग वोट पढ़ते हैं, वोटिंग को पढ़ते हैं, वहां पर बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कैसे डिसाइड हो जाता है, ऑर्डिनरी शेयर्स, स्पेशल वोटिंग पावर वाला शेयर्स है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वहां पर यह सब चीज बताया जाता है। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक और शेयर्स और बोथ ऑफ देम, या तो शेयर होल्ड करता है, या तो वोटिंग स्टॉक होल्ड करता है, या दोनों होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, मतलब जो दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। अब ये यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बताया बट आप समझ लो कि ऐसा कैसा कंट्रोलिंग हो सकता है। जैसे रिसेंट बंगाल पॉलिटिक्स खबर है ना सर आप लोगों को, बहुत बड़ा एकदम मतलब रॉ न्यूज अब निकल रहा है, क्या क्या जो बात हो रहा है भगवान जाने, ऐसा सब सच्चाई हो रहा है। आज तो सर मिनिस्ट्री से भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हटा दिया। हाँ सर ये क्या हो रहा है, हटाने का क्या है, पूरा 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 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हट जाना चाहिए। हाँ इतना बड़ा काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हट जाना चाहिए, ये एक आम आदमी का सोच बता रहा हूँ सर। हाँ सारा का सारा लोग एकदम टॉप टू बॉटम सब कनेक्टेड है सर। हाँ क्या सर नहीं है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर नहीं है क्या, क्या लगता है आप लोगों को, सिर्फ जो दोनों के बीच में आप खबर देख रहे हो सर वही लोग कनेक्टेड है, सब कोई कनेक्टेड, टॉप टू बॉटम सब कनेक्टेड है। आई होप समझ गए। आप पॉलिटिकल चर्चा नहीं करेंगे सर, बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, क्लियर है बात। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो सर, बस इतना ही तो समझना है और क्या, बस प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल चारों तरफ क्या हो रहा है वो देखते रहो, जो देख रहे हो उसको कनेक्ट कर लो, दिमाग की बत्ती जला लो और क्या, चुपचाप छोड़ के चले जाओ भाई, फिर से वोट करो, देखते हैं पब्लिक के दिमाग में कुछ ठीक ठाक से बैठता है कि नहीं, बैठता कौन कौन सब आ जाता है सर। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स अगेन बोथ ऑफ देम, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर। ये कंसेशनरी का मतलब कंसाइनर कंसाइनी होता है ना बाबा, ठीक है, मतलब एजेंट है बेसिकली, एजेंट जो होता है, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनरी ऑफ द अदर, बेसिकली एजेंट कंसाइनी, बेसिकली कंसाइनर कंसाइनी एजेंट के काम के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी में जब सप्लाई होता है, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो उसे भी सप्लाई ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वही बोला था कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन की एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ डिस्टिंक्ट पर्सन भी देख लेते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। Distinct person specified under section 25. Before we go through the statutory provision of distinct persons, let us first have an overview of the registered provisions for better understanding of the concept of distinct person. Detailed in-depth analysis of registration provisions contained. Sir, registration chapter में basically distinct persons के बारे में details में बोला हुआ है, GST registration chapter में. Under GST law, a supplier required to obtain state-wise registrations. Point to be noted, sir. GST law में एक supplier को state-wise registration करना पड़ता है. He has to obtain registration in every state or union territory from where he makes a taxable supply provided his aggregate turnover exceeds a specified threshold limit. ठीक है,
thus he is not required to obtain registrations from a state or union territory from where he makes non taxable supply. ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट इज दैट कि सिंस रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, सिंस रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज पैन बेस्ड, वंस अ सप्लायर, ध्यान से सुनो सर बात को, सिंस रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज पैन बेस्ड, वंस अ सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, जैसे ही उसका लिमिट क्रॉस कर जाता है टर्नओवर का, हम लोग बेसिक में पढ़ के आए, ही हैज टू ऑब्टेन, किसी का 20 लाख किसी का 40 लाख है ना, नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा कम 10 लाख 15 लाख का रेंज है, मतलब मणिपुर मिजोरम नागालैंड वगैरह का, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी हैं, ठीक है, हिमाचल वगैरह. नाउ सिंस रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी इज पैन बेस्ड, वंस अ सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट्स और इंडियन टेरिटरी इन विच ही ऑपरेट्स एंड मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई, जहां जहां आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे वहां वहां आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द सेम पैन. फर्दर ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट और इंडियन टेरिटरी, हाउएवर where he has multiple places of business in a state or union territory, he has the option either to get a single registration or to get a separate registration. So, ek registration karo, pura Bharat mein apply karo, ya fir har ek state ke liye alag alag registration banao for each place of business. Now, let us understand the concept of distinct person in simple terms. The establishment of a person with separate registrations, whether within the same state or union territory or different states or union territory, are considered as distinct person. मतलब एक ही इंसान सेम बिजनेस करता है लेकिन उसका अगर रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह में अलग अलग है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे. इंसान वही है, बात को समझे, आपका बिजनेस इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल में भी है, आपका बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में भी है, आपका बिजनेस महाराष्ट्र में भी है, लेकिन सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो आप क्या मानोगे, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन जा रहा है सर, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा. वेयर अ पर्सन हैविंग वन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन अ डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दिस एस्टेब्लिशमेंट आर कंसीडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. आई होप आपको समझ में आया सर. हाँ सर, यस सर, है ना. मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली, ही हैज आल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस. Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. Now question is that जब ये distinct person के बीच में supply होगा, they are not related party. इसको related party नहीं बोल सकते, related person नहीं बोल सकते, distinct person बोल सकते हैं. But ये supply भी without consideration हो सकता है, because same person का ही है ना, तो उसे भी supply माना जा सकता है. I hope you understand. है ना, तो ये है बेसिकली रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन का डिफरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अगेन मैं फिर से पॉइंट पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. जब कोई सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में हो या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, supply of goods or service or both between related person or between distinct person as specified in section 25 will qualify as supply even if made without consideration provided, ek baat yahan par dhyan dena padega, it is made in the course of furtherance of business. without consideration ho sakta hai, but agar wo business ke furtherance ke liye hai tabhi ja ke hum usko supply manenge. agar furtherance of business nahi hai to supply nahi hai. matlab chartered accountant jo yahan par hum log example liye the, मोहन जिसका दिल्ली में भी ऑफिस है, ठीक है, जिसका दिल्ली में भी ऑफिस है और वेस्ट बंगाल में भी न्यू ब्रांच ओपन किया, अगर कोई सर्विस मोहन दिल्ली ऑफिस कोलकाता ऑफिस को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट वो सर्विस प्रोवाइड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब सर्विस लेके किसी और को देना है ऐसा नहीं है, तो फिर उस सर्विस को सप्लाई नहीं काउंट किया जा सकता. ठीक है, तो बेसिकली मानो कि किसी का दिल्ली में ऑफिस है, वहां से कोई गुड्स कोलकाता में आ रहा है, किसी और को बेचना है, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए.
जब तक वो बिजनेस पर्पस में ना हो तब तक वो सप्लाई नहीं, दैट इज द पॉइंट. जब तक बिजनेस पर्पस एस्टेब्लिश ना हो कि भाई सर्विस लेके क्या करोगे, फर्दरेंस करना है कि नहीं करना है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, मतलब उसको यूज करके किसी को सर्विस देना है. दिल्ली ब्रांच का कोई सर्विस कोलकाता ऑफिस लेके किसी और को सर्व कर रहा है, बदले में पेमेंट ले सकता है ना. लेकिन इनके बीच में जो सर्विस हुआ वो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब दिल्ली ऑफिस ने कोलकाता ऑफिस को जो सर्विस दिया वो विदाउट कंसिडरेशन दिया, बट कोलकाता ऑफिस जिसको सर्व करेगा वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब उसमें कंसिडरेशन फीस फिर से आ जाएगा. देन इन दैट केस दिस विल ट्रीटेड एज सप्लाई बिकॉज डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है या रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है. तो ये एक अनदर पॉइंट था समझने के लिए कि सर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 will qualify as supply even if made without consideration provided it is made in the course of other and simple. main samjho sir, samjho, samajhna hai. gst ya tax jo bhi hai, income tax understanding ka cheez, concept ka cheez, don't mug up karo samajh ke, read karo samajh ke. बिना समझ के क्या पढ़ो, मत पढ़ो, उससे अच्छा है पढ़ाई बंद करो. बिना समझ के पढ़ोगे आज पढ़ोगे कल भूलोगे, समझ के पढ़ोगे आज पढ़ोगे कल शायद भूल जाओगे लेकिन पढ़ने से फिर से याद भी आ जाएगा. किसी का मेमोरी उतना तेज नहीं है, अगर किसी का मेमोरी उतना तेज नहीं है तो शायद वो भूल जाए. जैसे मेरा मेमोरी बहुत लूज है, जानते हो ना, मैं पढ़ता हूँ समझता हूँ फिर भूल जाता हूँ. लेकिन एक चीज़ है, अगर एक बार पढ़ के समझ में आ गया था ना तो फिर बाद में याद आ जाता है. मेरा मेमोरी उतना तेज नहीं है, मैं भूल जाता हूँ. लेकिन जब समझ गया तो बाद में बहुत काम आएगा, फिर से देखो तो फिर से समझ आ जाएगा. लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे. ठीक है, जैसा बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं. ठीक है, तो इस बात को समझो सर, अभी नहीं तो कभी नहीं. तो रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, अब रिलेटेड पर्सन के बीच में भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. मिस प्रिया होल्ड 30% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड 35% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड. नाउ एबीसी एंड एक्सवाईजेड आर रिलेटेड, सब कोई एसोसिएशन है इनके बीच में, जॉइंट वेंचर है या फिर एबीसी और एक्सवाईजेड सब्सिडियरी होल्डिंग है, जो भी हो इनके बीच में रिलेशन है. तो प्रिया का शेयर एबीसी में भी है, XYZ भी है, तो ये रिलेटेड पर्सन हो गया ना. हेलो, अगर इनके बीच में कुछ भी सप्लाई हुआ तो रिलेटेड पर्सन हो गया ना. यस और नो बोलो सर, यस और नो. यस सर. Q Limited has a deciding role in corporate policy. Q Limited का corporate policy में deciding role है. Operation management and quality control of R Limited. Operation management जो लोग CMA का पढ़ाई करते हो उनको मैम के पास वही पढ़ना पड़ता है. Operation management, quality control, ये सब कहाँ होता है? तो operation management, quality control, ये सब कहाँ होता है? Manufacturing entity में होता है सर. तो CMA वाले जो लोग होते हैं ना सर, उनको ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत रोल प्ले होता है. नाउ पॉइंट इज दैट क्यू लिमिटेड हैज अ डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड. कॉर्पोरेट पॉलिसी में भी उनका रोल प्ले है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी रोल प्ले है, क्वालिटी कंट्रोल में भी रोल प्ले है. किसका? आर पे. आर किस तरह से कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, सब कुछ डिसाइड क्यू करेगा. तो हम लोग ऐसे यहाँ से बोल सकते हैं Q Limited controls R Limited. हम यहां से यह भी बोल सकते हैं कि Q Limited and R Limited are related. इसको समझने के लिए बहुत एग्जाम्पल है. जैसे मानो रिसेंटली Zomato ने Blinkit को लिया, खबर है आप लोगों को? हेलो,
जोमैटो ब्लिंकिट डील खबर है या नहीं? ब्लिंकिट के बारे में जानते हो ना आप लोग? अरे सर, ग्रॉफर्स, ग्रॉफर्स जिसका पुराना नाम ग्रॉफर्स है, द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म दैट इज जोमैटो सेट टू एक्वायर ब्लिंकिट फॉर 4447 करोड़ इन ऑल स्टॉक डील, सारा का सारा 100% डील. Food delivery platform Zomato Limited proposal to acquire Blinkit, a quick commerce company, was approved by its shareholders according to BSE filing. Among the votes polled, about 97% were in favor. 97% shareholder favor gaya, matlab jo major shareholder hai. Zomato is set to acquire Blinkit for 4,447 crore mein Blinkit ko kharida hai. In an all stock deal, it will acquire 33,000 equity shares of Blinkit and allot up to 62.85 crore fully paid up equity shares at 70.76 scrip to Blinkit shareholders. Now concept is that यहाँ पर तो पूरा का पूरा share ही ले लिया. अब Blinkit का management कैसे चलेगा? ये कौन decide करेगा? Grofers, जो पुराना Grofers है, अभी Blinkit है. आप मुझे बता दो कि Blinkit कैसे perform करेगा? ये कौन decide करेगा? Zomato decide करेगा. तो जब ऐसा होता है, ये तो 100% डील है, बिग बास्केट एंड टाटा. बिग बास्केट क्या लिखा है? टाटा एंटरप्राइज कितना है? टाटा डिजिटल बाय 64% स्टेक इन बिग बास्केट, मेजोरिटी स्टेक है. तो अगर टाटा का बिग बास्केट है, दोनों ही देखो, एक ग्रॉफर्स था, एक बिग बास्केट था. ग्रॉसरी डिलीवरी का दो ऑनलाइन जायंट था, एक में टाटा का इन्वेस्टमेंट है, दूसरे में रिसेंटली जोमेटो ने इन्वेस्टमेंट किया. अब टाटा ने बिग बास्केट को कितने में खरीदा था? मुझे याद नहीं है, 64% स्टेक में लिया था. ये थोड़ा सा पुराना डील है, थोड़ा पुराना डील है सर, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो याद नहीं है, बट इतना याद है 64% स्टेक है. बोलो बोलो सर. थाले तो सर टाटा बिग बास्केट जो 64% स्टेक था के, थाले तो होल्डिंग होएगा ना, टाटा ही तो होल्डिंग होएगा. यस यस, 64% मतलब ऑलमोस्ट होल्ड है, ऑलमोस्ट होल्डिंग ही है. 51% ओवर होल ही तो सर होएगा, 50% ओवर होल. यस यस यस, ठीक है. बिग बास्केट बोर्ड हैज अप्रूव्ड द डील अर्लियर दिस वीक दैट टाटा डिजिटल हैज इन्फ्यूज्ड प्राइमरी कैपिटल ऑफ 200 मिलियन इन द ग्रॉसर्स एट ए पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ $2 बिलियन. जिसका वैल्यूएशन 2 बिलियन है, टाटा ने 200 मिलियन डाला. और बिग बास्केट में जो बाकी शेयर होल्डर था, जिसमें एक था आपका अलीबाबा ग्रुप, जो बेसिकली चाइना का अपना जैक मा का बिजनेस था, ठीक है. द डील वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सर, आप लोगों में से जो लोग सीए फाइनल या सीएस ग्रुप टू, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू पढ़ते हो, या सीए फाइनल में पढ़ाई करोगे, या सीएमए फाइनल पढ़ोगे, तो आपको ना ये लॉ पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. बहुत इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक लॉ बोल के लॉ आएगा, इकोनॉमिक. इसमें आपको ये सब लॉ पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये सब डील होता है, कंपटीशन कमीशन कैसे कंट्रोल करता है, दिस थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग. रिसेंटली जो रिलायंस के साथ बिग बाजार का, मतलब अमेजन वर्सेस बिग बाजार का जो इतना मारपीट हुआ, वो भी कंपटीशन कमीशन देख रहा था. तो बेसिकली ये कंपटीशन है, और कंपटीशन एक्ट कैसे काम करता है, सो वेरी डिटेल्स लॉ. जब आप लोग इकोनॉमिक लॉ का क्लास करोगे, उसमें कंपटीशन लॉ पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा सर. ऐसे अगर आप यहाँ पर देखते हो बिग बास्केट का फाइनेंशियल्स, तो बिग बास्केट का फाइनेंशियल्स कुछ ऐसा है. ये डील अप्रैल में हुआ था सर, आई थिंक दिस ईयर अप्रैल क्या, यस मोस्ट प्रॉब्ली, या लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं आ रहा है. रेवेन्यू एंड लॉसेस देखो, इतना रेवेन्यू 611 करोड़ का लॉस, इतना रेवेन्यू 572 करोड़ का लॉस, ठीक है. ये आपका सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड और इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, दो बिग बास्केट का फाइनेंशियल एरिया रेवेन्यू एंड लॉस का, दो ब्रांड नेम से चलता है. ग्रोसरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट्स इन इंडिया एंड बिग बास्केट इज इंडियाज लार्जेस्ट डी ग्रोसरी. यस, ग्रॉफर से भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है. यहाँ पर जाओगे तो आपको थोड़ा डिटेल्स जानने का मौका मिलेगा, ठीक है. बाकी आप लोगों का काम है, आप देखो ये क्या हुआ था, जितना जानो कम पड़ जा रहा है ना सर, ठीक है. कितना सुंदर बनाया,
टाटा का बिजनेस के अंदर बिग बास्केट का एंट्री। अरे वाह, इमेज ही बहुत कुछ बता देता है। मानना पड़ेगा फाइनेंशियल नॉलेज के साथ अगर ऐसा कार्टूनिस्ट बन जाते हो, क्या बोलेंगे वो, कार्टूनिस्ट बोलते हैं क्या, डेटा एनालिस्ट, जो भी बोलो यार, मजा आ गया देख के, इमेज देख के मजा आ गया मुझे। आप लोगों को मजा आया इमेज देख के? मेरे को इमेज देख के बड़ा मजा आया। ओके ठीक है सर, आई होप नाउ क्लियर। कुछ किताबी बात भी हो गया, कुछ रियल लाइफ बात भी हो गया। अब क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन्स भी मैंने समझा दिया, मोहन का एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और डिस्टिंक्ट पर्सन रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली एंड रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल। फर्दर, where a person who has obtained is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment as an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. It is okay. ये वाला example भी देख सकते हो। A registered enterprise, a registered supplier owns an air conditioned restaurant in Virar. Virar कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई के outskirts पे सर, ठीक है। अभी ग्रेटर मुंबई का पार्ट है मिरर, मैं गया था एक बार एक्चुअली मिरर, इसलिए मुझे मिरर याद है। यहाँ पर एक मंदिर है सर पहाड़ के ऊपर, नाम है सर जिगदानी माता टेंपल, बहुत सुंदर सा जगह है। तो ठीक है चलो, तो रिसेप एंटरप्राइज रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन मिरर इन महाराष्ट्र नियर मुंबई जैसे के, इट इज ओपेंड अ लीकर शॉप इन रायपुर, रायपुर उत्तराखंड, ओपेंड लिकर शॉप इन रायपुर उत्तराखंड फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जीएसटी के अंडर नहीं है बेसिकली, ठीक है, इसलिए नॉन टैक्सेबल कहा जा रहा है एज पर जीएसटी, स्टेट वैट लगता है ना। द रिसेप एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registrations with respect to the same in Uttarakhand. In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop, though unregistered in Uttarakhand, shall be treated as establishment of distinct person. Supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in course of furtherance of business, even without consideration, will qualify as supply. But story clear hai? Kahani kuch clear hai sir? बोलो, नहीं है तो फिर से समझाएंगे। मतलब मानो कि आपका महाराष्ट्र में, आपका महाराष्ट्र के बिरर में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, और आपने एक लीकर शॉप ओपन किया उत्तराखंड में, जहां पर आप अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल कर रहे हो। नाउ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी नहीं लगा जाता उसमें उत्तराखंड में। Rishab Enterprise is not required to obtain registration with respect to the same in Uttarakhand. अब इसके लिए आपको उत्तराखंड में, क्योंकि नॉन टैक्सेबल है, तो आपको उत्तराखंड में लिकर बेचने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop जो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपको अलग से रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, shall be treated as establishment of distinct person. मतलब इसे भी distinct person मान लिया जाएगा, भले ही आपको उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उत्तराखंड में लीकर बेचना नॉन टैक्सेबल है एज पर जीएसटी, उस पर स्टेट वैट लगता है। तो यहां पर बात क्या है, एक जगह पे आप अनरजिस्टर्ड हो और एक जगह पे आप रजिस्टर्ड हो, फिर भी आपको डिस्टिंक्ट माना जाएगा। एक जगह पे आप रजिस्टर्ड हो, एक जगह पे आप अनरजिस्टर्ड हो, फिर भी आपको डिस्टिंक्ट माना जाएगा। यही बात यहां पर बोला है, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment as an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. Bhale hi aapka do jagah mein registration na ho, only you have a registration in Maharashtra but you don't have to do registration in Uttarakhand, but still yahi mana jayega ki ye bhi ek distinct persons ka hi hai. So क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन्स का है, इसीलिए
आप तो मतलब बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन दोगे ना, आप ही का है। तो सप्लाई बाई महाराष्ट्र रेस्टोरेंट उत्तराखंड शॉप, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट से उत्तराखंड शॉप में जो भी सप्लाई होगा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल क्वालिफाई एज सप्लाई बिकॉज महाराष्ट्र रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र बट लिकर शॉप उत्तराखंड अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब यह क्यों अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज वो जीएसटी में नहीं आता, बट फिर भी इसे एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा और जो भी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। थोड़ा स्टोरी डिफरेंट था बट क्या क्लियर हुआ? यस सर सबको। यस सर नील रोशनी संपत बोलो सर रिचा स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। अनदर पॉइंट, जब हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करते हैं या ब्रांच ट्रांसफर करते हैं उसे भी सप्लाई मान सकते हैं, बट वो भी विदाउट कंसिडरेशन होता है। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस दैट वन ब्रांच सप्लाई सर्विस टू अनदर ब्रांच, है ना, ऑफ सेम एंटिटी विदाउट कंसिडरेशन। आपका ही ब्रांच है, आप अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दोगे पैसा लोगे क्या? नहीं ना, कॉमन प्रैक्टिस है। सिमिलरली गुड्स आर ट्रांसफर्ड अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम एंटिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री टू डिफरेंट ब्रांचेस और ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपोट शोरूम फॉर सेल देयरफ्रॉम फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच वेयर द डिमांड ऑफ द गुड्स इज हायर दिस ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर्ड एज सेल्फ सप्लाई। और ये विदाउट कंसिडरेशन होता है। Under GST, these transactions undertaken without consideration will also qualify as supply. जो normal GST rules के खिलाफ है सर। GST rule क्या बताते हैं? No consideration, no supply. But यहाँ पर क्या हो रहा है? Consideration नहीं हो रहा है, फिर भी GST supply मान रहा है। But यहाँ पर कुछ conditions भी लगाते हैं। Provided the transfer of goods or services between different location with separate GST registration. Different location with separate GST registration of same legal entity as these transactions are between distinct persons or establishment of distinct persons. बात समझे? या तो distinct person का establishment है जैसे वो हमारा उत्तराखंड और महाराष्ट्र वाला example, या फिर दिल्ली दिल्ली वाला chartered accountant का कोलकाता वाला office, दोनों example आपने देखा, दोनों में से कोई कुछ भी एक होना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि स्टेट चेंज होना जरूरी है, ठीक है? अगर स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो उसमें स्टेट भी चेंज हो रहा है इसको सप्लाई माना जाएगा। डिफरेंट लोकेशन बेसिकली मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट, डिफरेंट लोकेशन मतलब स्टेट चेंज होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप अलग करते हो। वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन से, बिहार का दूसरा रजिस्ट्रेशन से, तो लोकेशन चेंज हो जा रहा है। नो पॉइंट इज दैट अगर सेम स्टेट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है तो भी माना जाएगा सर, ठीक है, तो भी उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अच्छा सेम स्टेटের মধ্যে মানে একটাই রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আছে, এবার উইদাউট কনসিডারেশনে ধরুন একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় সাপ্লাই হলো, তখন কি সেটাকে সাপ্লাই বলা যাবে? সেম স্টেটের মধ্যে দেখুন, সেম স্টেটের মধ্যে যদি আপনার একটা রেজিস্ট্রেশন আছে আপনি অন্য জায়গায় ব্রাঞ্চ বানাতেই পারেন, ঠিক আছে? যদি সেই ব্রাঞ্চটার আলাদা করে কোনো রেজিস্ট্রেশন না থাকে তাহলে ওটা সেম পার্সনের এস্টাবলিশমেন্ট মনে করা হবে, মানে এই পারপাসে চলে আসবে, ডিস্টিংক্ট পার্সন এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে যাবে। আরেকবার বলুন লাইনটা কেটে গেল, আরেকবার আমি বলছি কি ধরুন আপনার কলকাতাতে একটা ব্রাঞ্চ আছে ওটা রেজিস্ট্রেশন আছে, আপনি দুর্গাপুরে রেজিস্ট্রেশন করেননি, ঠিক আছে, আপনি দুর্গাপুরে রেজিস্ট্রেশন করেননি কিন্তু ওখানে ব্রাঞ্চ আছে, কিন্তু আপনি ওখানে উইদাউট কনসিডারেশনে সাপ্লাই করছেন, ঠিক আছে? তো আপনি যদি উইদাউট কনসিডারেশনে কলকাতা ব্রাঞ্চ থেকে দুর্গাপুর ব্রাঞ্চে সাপ্লাই করছেন তাহলে এটা কি মানবো আমি? এস্টাবলিশমেন্ট অফ ডিস্টিংক্ট পারসন মানবো, কিন্তু সেপারেট জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নেই, একটাই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আছে, ওটাও সেম কনসেপ্টে আছে, মানে ওটাকেও সাপ্লাই মানবো যদি লোকেশন আলাদা, যদি লোকেশন আলাদা। কলকাতা থেকে কলকাতার মধ্যে কলকাতার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যদি যায় প্রথম কথা ওরকমটা চট করে কেউ করে না,
আর করলে ওটাকে ওভাবে সাপ্লাই মনে করা হয় না। অনেকে গোডাউন আছে, গোডাউন থেকে শোরুমে পাঠাচ্ছে, ওটাকে কি সাপ্লাই বলা যাবে? যখন একটা লম্বা লোকেশন হবে, এই এক্সাম্পলটা দেখুন একটু ক্লিয়ার হবে, এই এক্সাম্পল দেখিয়ে থোড়া ক্লিয়ার হয়ে যায়। রঘুবীর ফেব্রিক ট্রান্সফার 1000 শার্টস ফ্রম হিজ ফ্যাক্টরি লোকেটেড ইন লখনৌ টু হিজ রিটেল শোরুম ইন দিল্লি। পয়েন্ট বি নোটেড, রঘুবীর ফেব্রিক কা রঘুবীর ফেব্রিক কে কে ট্রান্সফার করতে হয় 1000 শার্টস আপনি ফ্যাক্টরি সে, যে ফ্যাক্টরি কাহা হ্যায় লখনৌ পে, লখনৌ মতলব ইউপি কা ক্যাপিটাল, এন্ড রিটেল শোরুম কাহা হ্যায় উসকা দিল্লি, যে ভারত কা ক্যাপিটাল, সো দ্যাট দি সেম ক্যান বি সোল্ড ফ্রম দেয়ার, তাকি প্রোডাক্ট দিল্লি সে সেল হো যায়। দ ফ্যাক্টরি এন্ড রিটেল শোরুম অফ রঘুবীর ফেব্রিক্স আর রেজিস্টার্ড ইন দি স্টেটস ওয়ার দে আর লোকেটেড। আর ফ্যাক্টরি কাহা রেজিস্টার্ড হ্যায়, जहां जहां वो लोकेटेड है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड है लखनऊ पे एंड रिटेल शोरूम रजिस्टर्ड है दिल्ली। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, लेकिन बदले में मतलब रघुबीर अपने लखनऊ फैक्ट्री से दिल्ली में जो दे रहा है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। नो डाउट कौन अपने दुकान में कंसिडरेशन लेके सप्लाई करेगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंस्टिट्यूट सप्लाई, बिकॉज वो वही माना जाएगा कि सेम पर्सन का डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लीगल एंटिटी है। तो दीज आर दी ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, दीज आर दी ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, यही होगा। अनदर एग्जांपल, अब ये स्टॉक ट्रांसफर, बेसिकली ये क्या ट्रांसफर हुआ, स्टॉक ट्रांसफर हुआ। हाउएवर ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन अपेरेंटली विद इन सेम स्टेट, आपका ही कॉन्सेप्ट आ रहा है नॉमिनल, अभी आपने पूछा ना कि सेम स्टेट के अंदर, हाँ है ना, सेम स्टेट के अंदर सर अगर हम लोग सप्लाई करते हैं, मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन है, क्या उसको सप्लाई मानेंगे? टू यूनिट्स ऑफ ए लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन अपेरेंटली विद इन द सेम स्टेट नॉट बी कंसीडर्ड अ सप्लाई, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसलिए मैं आपको बोला थोड़ा वेट कर जाइए, एग्जांपल बताएंगे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। स्टेट चेंज होने से जो कॉन्सेप्ट होता है ना, स्टेट के अंदर सेम कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ लखनऊ और ये आपका शोरूम इन दिल्ली, ठीक है, फैक्ट्री इन लखनऊ एंड शोरूम इन दिल्ली, जिसको डीम सप्लाई मान लिया गया विदाउट कंसिडरेशन हुआ। But now another example, Raghubir Fabrics 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur. Ab Lucknow aur Kanpur mein distance hai na sir, kitna distance hai Lucknow aur Kanpur mein? 150 km most probably. Agar kisi ko pata hoga Lucknow aur Kanpur mein zyada distance nahi hai, 150 most probably. Kanpur is the big city of Uttar Pradesh, sabse bada shahar hai aur Lucknow is the capital city. तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से उत्तर प्रदेश की कैपिटल, सॉरी से देखते हैं, लखनऊ से कानपुर चलेंगे हम, नवाबों का शहर क्या है, लखनऊ। ऐसे आप लोगों को पता है लखनऊ का मतलब क्या है? लखनऊ मतलब एक्चुअली ये लखन का नगरी है सर, लखन मतलब राम का भाई लखन, दैट इज वाई नेम इज लखनऊ, ठीक है। ऐसे सुनने में लगता था कि उर्दू टर्म है, बट नहीं, दिस इज लखन, लखन का नगरी, तेसर नाम है लखनऊ। ये है लखनऊ, ये है कानपुर, देख रहे हैं सर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लखनऊ से कानपुर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। कानपुर कहाँ जाना है, कितना है सर? 90 किलोमीटर सर। किलोमीटर से भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये मेनली था कि क्या ये सेम स्टेट में आता है। ऐसे तो किलोमीटर वाइज दोनों स्टेट में चेंजेस हो ही सकता है, बट क्या ये सेम स्टेट में आता है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। यस, दोनों ही यूपी में आता है। तो चलो समझ लेते हैं, अभी 1000 शर्ट्स फ्रॉम लखनऊ फैक्ट्री टू कानपुर शोरूम,
and same can be sold from there. It has been taken one registration in the state of Uttar Pradesh, declaring Lucknow factory as its principal place of business and Kanpur showroom as its additional place of business. Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom is same state under single registration does not constitute supply. I hope now concept is fully clear. Neil, Navani, Roshni, bolo sir. ठीक है, अब जो यूपी के लिए है वो बंगाल के लिए भी आप सोच सकते हो. कोलकाता टू दुर्गापुर, कोलकाता टू सिलीगुड़ी, ठीक है, कोलकाता टू रांची हो जाएगा तो डिस्टिंक्ट पर, और वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा. ठीक है, बट कोलकाता टू सिलीगुड़ी सिंगल रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री से बस शोरूम में आ रहा है, सप्लाई ट्रीट नहीं होगा. सप्लाई ट्रीट नहीं होगा तो इसमें एक सुविधा ये है, सिंगल स्टेट के अंदर जीएसटी का झमेला से आप बच जाओगे. चार्ज ऑफ जीएसटी में बात करेंगे सर, अब ये सब चीज पे समझ आ गया. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड सप्लाई हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन. However, service provided by an employee to the employer in the course of in the relation to its employment are not treated as supply. Yaad rakhiyega, employer employee relation matlab relation related persons hai, but employee apne employment mein jo service apne employer ko provide karta hai, apne employment ke liye wo supply nahi hai sir, us pe GST nahi lagta. Matlab mano ki koi employee ek company mein kaam karta hai, apne एम्प्लॉयर को सर्विस दिया और उसमें जीएसटी चार्ज करेगा क्या? हाँ, कि सर्विस टैक्स सरकार को जमा करेगा? नहीं सर, वो नहीं है. ठीक है, तो यह बात का याद रखिएगा. शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिस्कस्ड इसके बारे में डिस्कस करता है. ठीक है, इसके आगे आगे बात करेंगे. और सर अनदर कॉन्सेप्ट, गिफ्ट बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दिस इज द कॉन्सेप्ट सर. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है तो आजकल होता है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, बिकॉज एम्प्लॉय बिना एम्प्लॉय कुछ नहीं. तो मेरा कहने का मतलब है एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं. जैसे एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉय कुछ नहीं, वैसे एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं. बंगाली में एक बहुत सुंदर एक कहावत है, बोले कि तुम्ही छड़ा आमी जानो मोनी हरा फोनी. सुना है कभी आप लोग? ठीक है, तुम्ही बिना आमी जानो मोनी हरा, मतलब ऐसा है कि मतलब एम्प्लॉय के बिना एक एम्प्लॉयर कुछ कर ही नहीं पाता. एक दिन अगर सुबह सुबह ऑफिस खोलते हैं और एम्प्लॉय नहीं आता है तो क्या हालत होता है कम बिजनेस का? ठीक है, इवन जो झाड़ू मारता है ना, स्वीपर नहीं आता ना, तो ओनर का दिमाग गर्म हो जाता है कि कौन झाड़ू लगाएगा, साफ कौन करेगा, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगा. तो वट एवर पॉइंट इज दैट कि एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है उसमें क्या जीएसटी आएगा? क्या मतलब बेसिकली उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे? वट कॉन्स्टिट्यूट ए गिफ्ट? क्वेश्चन. Proviso to para 2 of schedule 1 provides that the gift up to 50,000 in the value in a financial year by an employer to an employee. Ek financial year mein, jaise mano 22-23 ya 21-22, jo bhi financial year lena chahte. Ek single financial year mein employer agar employee ko 50,000 tak ka koi gift deta hai, will not be treated as supply of goods or service or both. However, gifts of value more than 50,000 made without any consideration are supply and are subject to GST when made in the course of furtherance of business. और ये जो भी दे रहा है business के लिए ही दे रहा है. furtherance of business क्यों? मतलब वो अच्छा काम करेगा, gift दे रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए बात समझ रहे हो ना. The term gift has not been defined in the GST law. In common parlance, gift is made without consideration. Normal common sense क्या कहता है? Common parlance या common sense में gift is made without consideration. And is a voluntary in nature and is made occasionally. रोज रोज गिफ्ट नहीं मिलता. It cannot be demanded as matter of right. गिफ्ट में कभी राइट नहीं आता आपका कि मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, मेरा अधिकार था. नहीं, गिफ्ट में कभी अधिकार नहीं होता. ठीक है, by the employee and the employee cannot move a court of law for obtaining a gift. अगर आपको employer गिफ्ट नहीं देता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते. ठीक है, जैसे आप लोग टैक्स में सैलरी में परक्विजिट्स पढ़ते हो, परक्विजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. अब इसमें फर्क देखो सर, अभी मैंने आपको क्या बोला कि सर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो प्रोवाइड करता है, मतलब कहने का मतलब है जब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो बदले में उसको सैलरी मिलता है.
एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है वो जीएसटी में नहीं आता, बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहा है। अच्छा, पार्क्विजिट सैलरी का पार्ट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, पार्क्विजिट एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मैंने रिसेंटली सैलरी क्लास में बोला, जो लोग सैलरी का क्लास लाइव कर रहे हो आजकल उनको पता है, रिसेंटली बोला कि पार्क्विजिट आपको कंपनी की तरफ से एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गिफ्ट का कोई ऐसा बात नहीं है सर। अब कैसा होता है सैलरी, मतलब पार्क्विजिट, जैसे कंपनी ने आपको कार दिया, कंपनी ने आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए वाउचर दिया, देता है ना, अमेजन वाउचर, बिग बाजार वाउचर, ठीक है, सोडेक्सो वाउचर, ठीक है, ट्रैवलिंग वाउचर, क्या क्या सब देता रहता है कंपनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। As already discussed, service by an employee to the employer in the course or in relation to his employment is outside the scope of GST, neither supply of goods nor supply of service, but it follows therefrom that the payment made by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subject to GST. Ministry of Finance has clarified in press release that if service such as membership of a club या फिर कोई बड़े रेस्टोरेंट में किसी भी तरह का सर्विसेज जो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर, द सेम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये पार्क्विजिट्स है, ये कंपनी के तरफ से पार्क्विजिट्स है। द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग टू द एम्प्लॉइज व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको फ्री हाउसिंग, फ्री हाउसिंग क्या होता है, आरएफए रे बाबा, आरएफए रेंट फ्री, रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी में पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़ा तो देख लो एक बार सैलरी का रिसेंट क्लासेस, रिसेंट लाइव क्लास देखो, आपको आरएफए का डिटेल्स पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड लेक्चर। तो इस तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये सब पार्क्विजिट्स का पार्ट है और ये जीएसटी के अंदर नहीं आता और ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो भी कॉस्ट है ये बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी है, एंड एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो गिफ्ट और पार्क्विजिट्स का फर्क समझे, अगर कंपनी आपको पार्क्विजिट्स नहीं देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल है सर, ठीक है, लेकिन गिफ्ट नहीं देता है तो कोर्ट में नहीं जा सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि ये कहाँ कहाँ कितना तरह का कंसिडरेशन का खेल चल रहा है और सप्लाई कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में भी होता है, प्रिंसिपल अपना सप्लाई गुड्स सप्लाई करता है एम्प्लॉय को, सॉरी एजेंट को, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स एज बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। Point which merit consideration in this regard is as follows. Only supply of goods and not supply of service is covered here. ये जो एजेंट का बात है ना सर, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात किया गया, सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पर कवर नहीं किया गया। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड दस टू बी लायबल टू जीएसटी। सर ये क्या हो गया, supply of service between principal and the agent and the vice versa would therefore require consideration. Supply of service pe consideration zaruri hai to be considered as supply. Agar supply of service ho raha hai to consideration hona chahiye aur usme tabhi wo supply manega aur tab wo liable to GST ban jayega. But goods ke beech agar principal aur agent ke beech mein goods ka supply ho raha hai without consideration bhi hai to bhi supply mana jaye. Ye ek bahut important farak hai sir, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। सर्विस सप्लाई प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कंसिडरेशन के बेसिस में ही होना चाहिए, बट गुड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एज आई डिस्कस्ड अबव और नॉट, द डिसाइडिंग फैक्टर इज वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग इश्यूड बाय द एजेंट और नॉट। पॉइंट टू बी नोटेड, इनवॉइस किसका है, मतलब अगर प्रिंसिपल के इनवॉइस पे माल सेल हो रहा है तो एजेंसी चल रहा है। वेदर द इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स, जब मानो कि कोई एजेंट
से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई प्रोडक्ट आप कोलकाता में बेचना चाहते हो, दिल्ली में आपका प्रिंसिपल है और एजेंट आप कोलकाता में हो, लेकिन जिसके लेटर हेड में, जिसके इनवॉइस के नाम पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो लेटर हेड किसका है, वो इनवॉइस किसका है? अगर इनवॉइस प्रिंसिपल का है तो आप एजेंट का ही काम कर रहे हो, अगर इनवॉइस चेंज हो रहा है तो गड़बड़ है कुछ, मतलब गड़बड़ नहीं है, सिचुएशन बदल जाएगा। इन अदर वर्ड्स द क्रूशियल पॉइंट इज वेदर आर नॉट द एजेंट हैज द ऑथोरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें ये पॉइंट समझना जरूरी है कि बिल किसका है, इनवॉइस किसका है, वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड पैरा थ्री अबव, दैट इज इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर विल बी इशूड इन द एजेंट्स नेम। हाउएवर वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा थ्री अबव। And similarly, where the goods being procured by the agent on behalf of the principals are invoiced in the name of the agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would be covered in para 3 above. मतलब यहाँ पर हमें तीन तीन चीज समझना पड़ेगा सर, कि क्या ये एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट आएगा, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लैरिटी होगा सर, ठीक है, कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर तीन चार एग्जाम्पल्स है, फिर डेल क्रेडियर एजेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल अभी बताता हूँ और फिर डेल क्रेडियर एजेंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। एक एग्जाम्पल सुन के जाओ और बाकी एग्जाम्पल घर पे थोड़े गो थ्रू करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू करूँगा। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट, अनमोल भोलू को बोला कि भाई मार्केट से कुछ प्रोडक्ट जुगाड़ कर। भोलू आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाई अनमोल, अनमोल को जो प्रोडक्ट चाहिए भोलू वो जुगाड़ करा, एंड आस्क द सप्लायर गोलू टू सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। क्या बोला, अनमोल भोलू को अपॉइंट किया, मतलब यहाँ पर कौन प्रिंसिपल है, क्या लग रहा है, प्रिंसिपल अनमोल है, भोलू एजेंट का काम कर रहा है, सर्टेन गुड्स मार्केट से उठाओ, उसके लिए भोलू क्या किया, सप्लायर्स ढूंढा हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल, जो अनमोल के चाहिए था उसको भेजा, एंड सप्लायर को बोला, ठीक है, सप्लायर कौन है, गोलू, ठीक है, सप्लायर कौन है, गोलू, सप्लायर गोलू को बोला सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल, गोलू को सेंड करो और इनवॉइस भी अनमोल को सेंड करो। गोलू कौन है, सप्लायर है, जिसको कौन ढूंढा, भोलू ने ढूंढा। इन दिस सिनेरियो वोलू इज ओनली एक्टिंग एज प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, वो सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है, जुगाड़ जुगाड़ी एजेंट, ठीक है, इसको करने के लिए अनमोल उसको पेमेंट करेगा, लेकिन सप्लाई में वोलू का कोई पिक्चर नहीं है, ना तो वो सप्लाई कर रहा है, सप्लायर तो वोलू है और रिसिपेंट तो अनमोल है। Hence, in accordance with the provision of this act, Volu is not an agent of Anmol for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. This is the point, sir. यही बात मैं तब से करना चाहता हूँ। ये जो principal agent का case है, bill किसके नाम पे हो रहा है, बहुत important matter. जैसे यहाँ पर bill Anmol के नाम पे हुआ, supplier Volu है, Volu बस procurement agent के लिए काम कर रहा है। ऐसा लोग होता है सर। जैसे आप लोगों को पता है कि I don't know. ऐसे क्योंकि मेरा फैमिली ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा बाजार में हम लोगों का फैमिली बिजनेस है सर, ट्रांसपोर्टिंग का, लॉजिस्टिक का, किसी किसी को पता होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सर मैं बचपन से देखता हूँ इसके बारे में, तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ लोकल में, मतलब मैं जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरिया से मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो लोग क्या करता है, जैसे मानो कि मेरा जो ट्रांसपोर्ट तो है बड़ा बाजार कोलकाता में, बट जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, जैसे कोलकाता से एक सर्विस देता है आपका मिदनापुर में, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट का नाम है PMTC, बल्ला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट, देखते हैं दिखाते कि नहीं गूगल, बड़ा बाजार में है, गूगल लिस्टिंग मैंने तो नहीं किया बट पुराना है ना,
क्या डेल्टा उल्टा निकल रहा है, जो भी हो छोड़ो, ट्रांसपोर्ट देख के भी फायदा नहीं है। बड़ा बाजार का ट्रांसपोर्ट क्या है, छोटा सा ऑफिस होता है और लाइन लगा के ट्रक खड़ा रहता है। तो बेसिकली जो मेरा ये हम लोगों का जो फैमिली बिजनेस है बीएमटीसी, ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। कहाँ कहाँ करता है, मिदनापुर टाउन में करता है, खड़गपुर टाउन में करता है, और यहाँ पर एक मेरा जो नेटिव टाउन है झाड़ग्राम, ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा शहर है मानिकपाड़ा बोल के, वहाँ पर करता है। और यहाँ पर दीघा के पास एक टाउन है सर बेल्ला बोल के, नाम सुने होंगे, मे भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है बेल्ला, नाम सुना आप लोगों ने, कभी दीघा रूट में जाओगे तो बेल्ला होके जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब ये भी एक रूट है। तो बेल्ला, खड़गपुर और मिदनापुर, ठीक है, ये मेनली तीन सिटी है पर टाउन है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सामान लेता है मैं, जो आजकल और भी जगह में करता है बट मैं नहीं संभालता सर, लेकिन इतना मुझे पता है खड़गपुर में देता है, झाड़ग्राम में देता है, बेल्ला में देता है और आपका मिदनापुर टाउन में देता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झाड़ग्राम से हैं, अब देखो झाड़ग्राम से कोलकाता करीब करीब 200 किलोमीटर, अब ये लोग 200 किलोमीटर दूर में जो जिनका मानो दुकान है, ठीक है, कोई मानो ग्रोसर्स है, ग्रोसरी वाले, अब ये क्या करता है, इसका कोई प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उसको भेज देता है कोलकाता, बड़ा बाजार आता है प्रोक्योरमेंट एजेंट भोलू जैसा कोई, ठीक है, भोलू जैसा कोई आता है कोलकाता में आके बड़ा बाजार से सामान लेता है और दुकानदार को बोलता है कि भाई बिरला ट्रांसपोर्ट में दे दो, और बिरला ट्रांसपोर्ट उसको झाड़ग्राम में पहुंचा देता है। तो बेसिकली बिरला ट्रांसपोर्ट या बीएमटीसी जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर है, उसका यहाँ पर सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बट मेन सप्लायर कौन है, जो बड़ा बाजार का दुकानदार है, ठीक है, ग्रोसरी का होलसेलर, और रिसिपेंट कौन है, झाड़ग्राम में बैठा हुआ, झाड़ग्राम या खड़गपुर टाउन में बैठा हुआ, खड़गपुर केजीपी टाउन में बैठा हुआ दुकानदार, वो रिसिपेंट है। तो भोलू कौन था, भोलू बेसिकली प्रोक्योरमेंट एजेंट था, वो मेन एजेंट नहीं था, ठीक है। तो भोलू का एक्चुअली सप्लाई में एज पर जीएसटी लॉ कोई पिक्चर नहीं, भोलू इज जस्ट अ प्रोक्योरमेंट एजेंट। ऐसा एजेंट बहुत सारे बड़े शहर से, जमशेदपुर से भी बहुत लोग आता है, ठीक है, जमशेदपुर के साथ भी कनेक्शन है, ठीक है, हम लोगों का ट्रांसपोर्ट जमशेदपुर नहीं देता है बट मैं जानता हूँ जमशेदपुर का भी बहुत सारे लोग, क्योंकि सेम लाइन में आता है तो एक्चुअली सेम ट्रेन में जमशेदपुर का लोग चढ़ता है, फिर वो झाड़ग्राम पहुंचता है, फिर खड़गपुर होके कोलकाता पहुंचता है। तो ये एक बचपन से एक आदत सा हो गया देखने का ट्रेन में और बस में कि जमशेदपुर का लोग, मिदनापुर का लोग, खड़गपुर का लोग, झाड़ग्राम का लोग कोलकाता आते हैं, सामान खरीदते हैं और ट्रांसपोर्ट में देते हैं और वो ट्रांसपोर्टिंग होता है। ये एक बिजनेस चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये मैं बचपन से थोड़ा देखता हूँ। तो ऐसा प्रोक्योरमेंट भोलू जैसा एजेंट बहुत है, बट क्या जीएसटी लॉ इसको सप्लायर के अंदर मानेगा, नहीं, ठीक है। तब क्वेश्चन इज दैट सर किसको मानेगा, फिर सर किसको मानेगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इनवॉइस के बारे में बताऊंगा और फिर जाके बाकी एग्जाम पे क्लैरिटी करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एजेंट होने से आप सप्लायर का पार्ट बनोगे और जीएसटी के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाता है फिर नेक्स्ट क्लास मैंने आपको इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, फिर आपको मैं कुछ कंपनी की तरफ से जो ऑफर दिया जाता है फ्री ऑफर सैंपल, ठीक है, उसका क्या सप्लाई के साथ कनेक्शन है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से एकदम प्रॉपरली माना जाता है, और ऐसा कौन सा सर्विस है जिसको मतलब बेसिकली नॉन सप्लाई माना जाता है, नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। ये कुछ पॉइंट अगर आप समझ जाते हो फिर लास्ट में बचा रहता है कॉम्पोजिट जीएसटी एंड मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। बस इतना जान लोगे तो जीएसटी में आपका एकदम बेस बन जाएगा सर, सप्लाई समझ जाओगे जीएसटी में बेस बन जाएगा। जीएसटी एक्सपर्ट बनने के लिए सप्लाई समझना बहुत बहुत जरूरी। आजकल कंपनी में सिर्फ जीएसटी एक्सपर्ट चाहिए होता है, आप अच्छे से चार्टर्ड करो, अच्छे से सीएस करो, अच्छे से सीएमए करो, अगर कंपनी में जीएसटी का काम होता है ना, चाहे आप अगर मानो आप बिग फोर में जाते हो, पीडब्ल्यूसी में जाते हो, या फिर बड़े बड़े कोई भी चार्टर्ड फार्म में जाते हो, कॉस्ट फार्म में जाते हो, जीएसटी का काम इज ऑलवेज देयर। तो अगर जीएसटी में आपका पकड़ है ना, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, मैं अभी से आपको बोल देता हूँ, अभी आपके ऊपर है बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, बाकी आप जानो। बस इतना बोलूंगा जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, जो घर पे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उसको घर पे पढ़ो, एग्जाम के लिए रेडी होना सिर्फ नहीं है, मार्केट के लिए रेडी होना है,
इकोनॉमी के लिए रेडी होना है. एग्जाम छोटा सा हिस्सा बन जाएगा सर. एग्जाम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो. अपने आप को थोड़ा बड़ा लेवल में सोचो. बड़ा सोचोगे छोटा अचीव करना इजी हो जाएगा. आप लोगों का पर्पस एग्जाम क्रैक करना है क्या जिंदगी में? सर वो तो बस रास्ते में निकलने का एक छोटा सा स्टेज है. एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ी ना आए सर. दुनिया में क्या करने आए? सिंपल बात बोलो, सर्वाइव करने आए. जब से पैदा हुए हैं जब तक माँ बाबा ने संभाला तब का बात अलग, क्योंकि वो माँ बाबा का संभालना था, पेरेंट्स संभाला. जब पेरेंट्स का साया हाथ से चला जाएगा क्या करना पड़ेगा? सर्वाइव करना पड़ेगा. सर्वाइवल कैसे बेस्ट हो सकता है? नॉलेज पे. जिसके पास स्किल है वो बेस्ट सर्वाइव करेगा. जिसके पास स्किल कम है उसको सर्वाइव करने में दिक्कत होगा. और ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो ये सब क्या है? सर्वाइवल स्किल्स है. एग्जाम पास करने का आप समझ रहे हो सर? एग्जाम पास तो एक छोटा सा बात है, बस नाव है. नाव इस पार से उस पार जाने का नाव है एग्जाम. लेकिन आपका पर्पस उस पार जाने वाला है तो उस पार के बारे में सोचो और एग्जाम के नैया को छोटा सा एक नाव की तरह समझो. आप गंगा के इस किनारे हो, गंगा के उस किनारे जाना है. कैसे जाओगे? पढ़ते रहो, जानते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख के पढ़ा करो. इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को नोट डाउन करो, समरी नोट्स बनाओ खुद का. और मैट के अंदर से जितना क्वेश्चंस है आपके इंस्टीट्यूट के मैट, आपके स्कैनर्स, एमटीपी, आरटीपी, जो भी आपके पास अवेलेबल क्वेश्चंस है वहां से सारा का सारा टॉपिक वाइज रिलेटेड क्वेश्चंस को छान मारो. लिख लिख के किया करो. और जैसे वीकली एग्जाम में अरेंज कर रहा हूँ, मेरे से यहाँ पर आके एग्जाम देके जाओ. कोई कोई आता है, जो नहीं आ पाते वो घर पे मैं एग्जाम कर क्वेश्चन शेयर करता हूँ. घर पे बैठ के एग्जाम दो. बट प्लीज डू दिस, क्या करो सर, ठीक है? ऐसा करोगे रेगुलर बेसिस में तो सक्सेस कभी आता है, ठीक है? बी सीरियस अबाउट योर करियर. इसका मतलब हंसना खेलना बंद नहीं, बट बी सीरियस अबाउट योर करियर. डोंट टेक इट फनी वे. फनी ठीक है, फन इज ओके, बट इतना भी फन नहीं होना चाहिए जी हर चीज मतलब आधा अधूरा हो जाए. बस सर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं, ठीक है सर? टाटा सर, गुड नाइट. टाटा गुड नाइट. राखी दा. ओके सर.